हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर इन सच अ वे दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट सेज सी द एक्जिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ये चार चॉइस रखे हैं, देखो कैसे करें। इजी है, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। यहाँ वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसे लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टू ए एक्स डी एक्स ओवर डी टी। इसे तो वर्टिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, और टू ए एक्स, और इसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ हमें गिवन है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट मींस वी एक्स इज सी, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम वी वाई इज इक्वल टू टू ए एक्स, इसके लिए लिख सकते हैं सी। Now, again, differentiation with respect to t, then dy over dt is equal to t की रेस्पेक्ट में कराना 2ac, और इसे लिख सकते हैं dx over dt। इसे लिख सकते हैं acceleration along y axis इज इक्वल टू टू ए सी, और डी एक्स ओवर डी टी जो है आपका, ये हो गया वेलोसिटी वी एक्स, और इसकी जगह ले सकते हैं टू ए सी स्क्वेयर, ये हो गया ए वाई। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर दें इसका विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वी ए एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, और ये जीरो, तो दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है ना। अगर ये कांस्टेंट होगा, वी एक्स इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट टर्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो आ रहा है एक्सेलरेशन का, और वर्टिकल कंपोनेंट ये है ना। एक्जिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्जिलरेशन लिखे हैं, तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के ए, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस टू ए सी स्क्वेयर जे के, दैट मीन्स टू ए सी स्क्वेयर जे के, ये ए वेक्टर आ गया। ठीक, इसीलिए इसकी जो चॉइस हुई टू ए सी स्क्वेयर, टू ए सी स्क्वेयर जे के, हमने चॉइस गलत लिखी क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, टू ए सी स्क्वेयर है यहाँ, ये हमने एक चॉइस कलर लिख रखी है, अब ये सही है। देखो टू ए सी स्क्वेयर जे के, ये बी चॉइस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टू ए सी स्क्वेयर जे के। थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।